एवरीवन, मैं हूँ रिया और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने लिए विज़न बोर्ड या फिर विज़न बुक बना सकते हैं और क्या कैसे मैंने अपना विज़न बोर्ड और विज़न बुक बनाया है। विज़न बोर्ड बनाने के लिए आपको जो चाहिए वो एक चार्ट पेपर चाहिए इस तरह का। उस चार्ट पेपर को आप चाहें तो फोल्ड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसे फोल्ड कर दिया है, और चाहे तो आप कोई थिक कार्डबोर्ड ले सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट मैंने चार्ट पेपर लिया क्योंकि वो इजी है यूज़ करने में मुझे लगा। और अगर आप विज़न बुक बनाना चाहते हैं तो इस तरह की कोई ड्राइंग की कॉपी ले सकते हैं, ये स्क्रैप बुक्स आती हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। और रिसेंटली जो मैंने डिस्कवर किया है वो है ऐसी क्लासमेट की मोटी सी बुक, जिसमें मैं अनलिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस हैं, जहाँ पे मैं जितने पिक्स चाहूँ ऐड करती जा सकती हूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो ये मैंने यूज़ किया है। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे मैंने विज़न बोर्ड बनाया है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा विज़न बोर्ड जो मैंने बनाया है। ये मैंने इसको स्टिक कर दिया है पीछे से, ये देख सकते हैं आप लोग स्टेपल से, और ये मैंने इसको फोल्ड कर दिया था, और ये मैंने कुछ पिक्स लगाए हैं। ये विनर ऑफ मैगजीन अवार्ड्स का मैंने लगाया है जो मैं जीतना चाहती हूँ, देन पावर ऑफ आइडियाज़, देन फॉर्ब्स मैगजीन जिस पे मेरा फोटोग्राफ है, जिस माय लाइफ टाइम ड्रीम है जो मैं बहुत बचपन से देखती थी, देन ये मेरा मेरे हस्बैंड के साथ पिक मैंने लगाया है जिसमें मैंने मेंशन किया है वी लव ईच अदर, वी अंडरस्टैंड ईच अदर, वी डू लॉट ऑफ रोमांस, वी रिस्पेक्ट ईच अदर, देन दिस इज़ माय ड्रीम होम जो मैंने लगाया है। देन यहाँ पे मैंने लिखा है एवरी मिनट काउंट, एंड वाई एम आई मल्टीबिलियनियर, इन जस्ट 10 मिनट्स राइजिंग स्टार्स, ये मेरा फिटनेस गोल है। और मेरे फोटोग्राफ के पीछे रिफ्लेक्शन है शिल्पा शेट्टी का, बिकॉज आई लव हर फिगर एंड परफेक्ट शेप बॉडी। डू 45 मिनट वर्कआउट डेली, एंड आउल क्रिस्टल टुगेदर डिवाइन लाइट मैंने लिखा है यहाँ पे, और ये है 36917 एडजस्ट एड काउंट नाउ, 36917 मनी का नंबर होता है, एंड 520 इज़ अ मनी मिराकल नंबर होता है। देन मैंने मेरे हस्बैंड के साथ यहाँ पे एक फोटोग्राफ स्टिक की जिसमें मैंने लिखा है आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी लव थैंक्स डिवाइन लाइट चेंज, एंड 443217 443217 फॉरगिवनेस का नंबर होता है। और ये गिफ्ट हैम्पर का फोटोग्राफ है जो मैंने लगाया है, जो आप लोग से मैंने पहले भी शेयर किया है कि मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स इस बार मिले, सिर्फ मेरे फॉलोअर्स के थ्रू ही नहीं, मुझे बहुत सारे दूसरे लाइक मेरे हाउस वार्मिंग के टाइम पे, मेरे बर्थडे पे, जो जनरली मुझे कंपैरेटिवली उतने नहीं मिलते थे। ये कैमरा का फोटोग्राफ जो मैंने लगाया है, जो मैं चाहती हूँ कि मैं ख़रीदूँ और मैं और बेटर वीडियोस आप सभी के लिए शूट कर सकूँ। ये मेरी ड्रीम कार है, ये कार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने ये लगाई है। और ये मेरा मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों के साथ अमेरिका का पिक है जिसे मैंने लिखा आई एम हैप्पीली लिविंग इन USA इन मिलियन डॉलर हाउस, एंड देन ये आई एम टॉकिंग आई एम इन्वाइटेड ऑन द टेड टॉक के लिए, और मैंने यहाँ पे लिखा है ऑल आई कैन थिंक ऑफ इज विनिंग एक्सपीरियंस द डिवाइन एंड शी इज़ अ हिट, एक पिक लगाई है मैंने। ये है सिट्रीन का पिक एंड ये है मनी का पिक। सिट्रीन जो है अबंडेंस के लिए बहुत अच्छा होता है, अगर आप सिट्रीन खरीद नहीं सकते हैं तो सिट्रीन का पिक लिख के पिक अपने पास रख सकते हैं। सो दिस इज़ लाइक मैंने अपने अबंडेंस के लिए इसमें लगाया है। देन ये है मेरा टॉप 10, आई एम अ स्पीकर ऑफ स्पिरिचुअल स्पीकर ऑफ द वर्ल्ड एंड योर ड्रीम कम ट्रू मैंने यहाँ लिखा है। यहाँ मैंने अपने फोटोग्राफ के ऊपर लिखा है लगाया है मास्टर ब्रांड, देन अनलिमिटेड हैप्पीनेस स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग सो मच सो मैनी ऑफ द पब्लिक, एंड दीज आर माई सोशल मीडिया गोल्स, सो दिस इज़ माई फिटनेस गोल्स, यूथ लुकिंग स्किन, एंड दिस इज़ माई EFT नॉलेज, स्पिरिचुअल्स एंजल नंबर्स, आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ पॉलिश इन ऑल दीज थिंग्स सो दैट आई कैन बी अ बेटर टीचर फॉर ऑल ऑफ यू, और मैं आप लोगों को और बेटर वे में गाइड कर सकूँ। ये मैंने
हेल्दी हेयर्स के लिए लगाया है, परफेक्ट शेप बॉडी, यूथफुल लुकिंग स्किन, स्विट्ज़रलैंड। देन ये मेरी जो ट्रिप्स जो मैं चाहती हूँ जहाँ जहाँ घूमना, दुबई, सिंगापुर, हांगकांग। सिंगापुर मैं जा चुकी हूँ ऑलरेडी, बट माय किड्स अगेन वांट टू गो, दे लव द प्लेस। सो दिस इज़ द वे ऑफ मेकिंग द विज़न बोर्ड। इस विज़न बोर्ड को मैं अपने मैट्रेस के नीचे रखती हूँ और मैं इसे किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता है कि मेरा ये विज़न बोर्ड है और मैंने ऐसा कुछ बताया। ये 528 नंबर जो इंजन नंबर होता है, ये माँ लक्ष्मी का नंबर होता है। सो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर इनवाइटिंग मोर मनी एंड माँ लक्ष्मी ब्लेसिंग्स। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि विज़न बुक कैसे बनाते हैं। विज़न बुक बनाने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। ये ऐसी स्क्रैप बुक आती है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी लास्ट ईयर की स्क्रैप बुक थी जो उस पर लिखा है मैंने, थैंक्स अ मिलियन सी इट टू बिलीव इट। ये लास्ट ईयर मैंने बनाई थी अपनी विज़न बुक, जो मैंने आप लोग के साथ पहले भी शेयर की हुई है। और इस पर देखिए मैंने मनी के फोटोग्राफ्स लगाए थे, माई ड्रीम्स, वर्ड्स, रिचेस, बिजनेस, वेल्थ, स्मार्ट मनी, मनी मनी मनी, सो दैट हम हर वक्त अगर मनी मनी की पिक्स देखेंगे तो आई विल अट्रैक्ट मोर मनी। यहाँ पे मैंने कुछ एफर्मेशंस अपने लिए लिखे थे। देन मैंने यहाँ पे लिखा था ट्रस्ट द प्रोसेस नॉट द आउटकम। सो ये मैंने रीड बुक्स बिफोर स्लीप, रीड 600 पेजेस डेली। तो इस तरह से मैंने कुछ अपने लगाए थे। ये मेरे को मेरे हस्बैंड ने नया मोबाइल भी गिफ्ट किया था। दिस वॉच मेरे हस्बैंड ने, सेम वॉच तो नहीं बट मुझे मेरे हस्बैंड ने एक बहुत ही खूबसूरत सी वॉच गिफ्ट की थी। एंड ये मैंने कुछ लगाए थे पिक्स। एंड मुझे इस साल बहुत सारे ज्वेलरी, मेरे फॉलोअर हैं उन्होंने मुझे गिफ्ट की। सो ये सारी चीज़ें देखिए, मैं जो है दुबई शॉपिंग फेस्टिवल, यूके में ऑलरेडी घूम चुकी हूँ एक बार आफ्टर माय मैरिज, बट अगेन आई वांट टू विजिट विद माय किड्स। श्रीलंका, देन ये मैंने लग्जरी कार लिख, गिफ्ट योर सेल्फ, आई लव टू सिट इन माय कार एंड गो अराउंड द वर्ल्ड। तो लास्ट ईयर मैंने एक काफ़ी अच्छी सी कार, एक लग्जरी खरीदी कार। सो ये सारी चीज़ें इस तरह से मैंने लास्ट टाइम, ये देखिए सिंगापुर की मैंने लगाई थी, जिसमें मैंने ऐसी पिक लगाई है जो मेरी फैमिली को रिजेंबल करती है, लाइक मी एंड माय हस्बैंड, आई हैव वन सन एंड वन डॉटर। सो मैंने वो पिक लगाई थी और मैं लास्ट ईयर सिंगापुर घूम के भी आ चुकी हूँ। ये वो उन लेडीज़ के पिक्स हैं जो मैं अक्रॉस द वर्ल्ड, जिन्हें काफ़ी अप्रेस करती हूँ, तो उनकी पिक्स हैं ये। ये मेरे हस्बैंड के साथ पिक है जिनके साथ मेरे रिलेशनशिप्स बेटर हों। तो इस तरह की ये लग्जरी व्हील्स की पिक्स मैंने लगाई। सो इस तरह से मैंने चीज़ें की थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस बार कैसे विज़न बुक बनाई है अपनी। सो ये है सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस, लुकिंग फॉर एलिमेंट्स ऑफ मैजिक इन स्टोरीज ऑफ एवरीडे लाइफ, रीच योर गोल्स, यू आर व्हाट यू स्पीक। तो हमें अपनी लाइफ में वही बोलना चाहिए जो हम पाना चाहते हैं, हमें अपनी ज़िंदगी में वो कभी नहीं बोलना चाहिए जो हमें नहीं पाना है, एंड इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। क्रिएट योर फ्यूचर। सो ये क्लासमेट की है, ये मैंने जो है 160 रुपीज़ की ख़रीदी है और इसमें ये 300 पेजेस की है ये। तो ये आप खरीद सकते हैं चाहे तो, और या फिर इस तरह की जो स्क्रैप बुक्स आती हैं विज़न बुक बनाने के लिए वो खरीद सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ी और पिक्स दिखाती हूँ जो आप न्यूज़पेपर्स वगैरह से, ये सारी मैंने पिक्स जो है न्यूज़पेपर से ही कलेक्ट की हुई हैं और वहीं से मैंने स्टिक की हुई हैं। ये माँ लक्ष्मी की देखिए मैंने पिक चिपकाई है और इसमें लिखा है बिलियन थैंक्स टू माँ लक्ष्मी, काउंट बिलियन रुपी, वेल्थ, सिंपल वेज ऑफ मेकिंग मनी, मैजिक, देन सीक्रेट्स ऑफ द मिलीनियर माइंड। देन यहाँ पे मैंने एक अवार्ड्स की पिक लगाई हुई है, यहाँ पे मैंने एक फोटोग्राफ लगाई जिसमें लिखा है फाइनेंशली साउंड। तो जब भी हमारा माइंड ना मनी को लेके बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स से भरा होगा ना, हमें मनी की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। 2 करोड़, यहाँ मैंने लिखा है योर लग्जरी एंड सेविंग्स इज नाउ अ रियलिटी, बिलीव। एंड देन अगेन एक अवार्ड्स का पिक, डैश इज़ इंडियाज मोस्ट सर्च पर्सनैलिटी इन 2019, आई हैव टू पुट माई नेम हियर। मैंने एक पिग्गी बैंक का फोटोग्राफ लगाया है जहाँ पे मनी है। देन यू ऑल कैन सी रेडी टू राइज स्टार्ट। देन यहाँ पे एक मैग्नेट है, आई एम अट्रैक्टिंग मिलियंस ऑफ पीपल्स टुवर्ड्स माई यूट्यूब चैनल्स, टुवर्ड्स माई हीलिंग टेक्निक्स,
focus for the new records which I will break it. It's so easy to focus. More magic for you. ये देखिए एक मैंने house का pic लगाया है and then money. So I'm on the first on the race. Money tree is growing. This pic is resembles. यहाँ पे मैंने लगाया है care and concern, loving and serving, courage and strength, trust and commitment, dreams and visions. So rewrite the story of change. So इस तरह की चीज़ें जो है awards की pics मैंने लगाई हैं. यहाँ मैंने लगाया carve your way to a happy, successful and meaning life. Carve your life. हम vision board या vision book के थ्रू अपनी ज़िंदगी को नया कार्व कर सकते हैं, नए तरह से उसको फिर से तराश सकते हैं. 100 डेज ऑफ सेविंग्स का पिक मैंने लगाया. ये एक पिक मैंने लगाया है जहाँ पे मैं ये रिजेंबल कर रही हूँ कि आई एम रेडी विद माई बैग पैक्ड एंड रेडी टू फ्लाई. सो इट मे बी अ फ्लाई, मैं हो सकता है किसी दूसरी स्टेट्स में जा रही हूँ, दूसरी कंट्रीज में जा रही हूँ टू टीच पीपल अबाउट दिस माई हीलिंग टेक्निक्स एंड माई वीडियो कंसर्न. जो मैं वीडियोज़ बनाती हूँ उसके कंसर्नस के लिए शायद मैं वहाँ जा रही हूँ. एंड जस्ट फील इट, यू आर Financially free 2020. Feeling is very important. यहाँ मैंने लगाया है. Then a bowl full of money. So इस तरह के pics आप अपने vision books में चिपका सकते हैं. मैं सिर्फ आप लोग को इसलिए दिखा रही हूँ so that आप लोग को idea मिल सके कि किस किस तरह के pics आप लगा सकते हैं. मैंने एक photograph video shoot करते हुए लगाई है और उसमें लिखा spread joy, so that जब भी मैं shoots करूँ आप लोग के लिए videos तो I should feel very happy, I should not feel very bored. सो ये रिंग्स की हैं कुछ चीज़ें, जो रेडो वॉच है, जो मेरी टेक होम विद यू है. सो ये सारी चीज़ें जो मुझे पसंद हैं, लाइक आई एम फाउंड ऑफ यू नो वेयरिंग रिंग्स. तो मुझे रिंग्स पहनना बहुत पसंद है. तो मैंने ये अलग अलग डिज़ाइंस की सॉलिटर्स लगाए हुए हैं. ये मैंने डिवांस की पिक्स लगाई हैं. आई वॉन्ट माई डॉटर टू विन वेरी इंपॉर्टेंट ब्यूटी पेंजेंट फ्रॉम द इंडिया, फ्रॉम द साइड ऑफ इंडिया इन फ्यूचर. देन ये बहुत सारे पिक्स मैंने कट करके रखे हैं जो मैं आप लोग के लिए, और एक विज़न बोर्ड बनाने वाली हूँ मैरिज के लिए कैसे बनाते हैं. ये गिफ्ट्स की पिक्स हैं अगेन. लाइफ स्टाइल, शॉपर स्टॉप्स, पेंटालूंस, शॉपिंग के बाद की जो फीलिंग आती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने लगाई है. सो देन फ्री एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें आप वो लगा सकते हैं जो आप रिजेंबल करते हैं. ये मैंने एक रेडो की वॉच लगाई है जो मैं अपने हस्बैंड को गिफ्ट करना चाहती हूँ. ये सर्टेन अगर पिक्स हैं जो मैं, और मैं आपको बताऊँ मुझे इस साल बहुत सारी ज्वेलरी मेरे एक फॉलोअर उन्होंने मुझे गिफ्ट की हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स ने इस बार मुझे ज्वेलरी गिफ्ट की हैं. दीज आर माइनर चेंजेस, ये मेरे हेल्थ के फिटनेस के गोल्स हैं. सो माइनर चेंजेस, सो ये सारी चीज़ें जब भी मैं देखूंगी तो मैं अपने आप को, और ये चीज़ें बहुत इजी होती है जब आप देखते हैं ना तो आपको सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उस चीज़ को करने के लिए ट्रेंड हो जाता है. आपको फोर्स नहीं करना है अपने आप को फिर उसके बाद कि नहीं मुझे वॉक करनी पड़े, अपने आप आपके अंदर से आ जाता है कि नहीं वॉक करना है, फिटनेस गोल्स हैं, फिटनेस करनी है. तो ये सारी चीज़ें मुझे मिलती हैं अगर आप विज़न बुक लगाते हैं. मैंने हेल्दी हेयर्स का लगाया हुआ है. ब्यूटीफुल स्माइल, ब्यूटीफुल स्माइल. स्लीप बहुत ज़रूरी है, एक अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है. सो आई हैव अ पिक जिसमें मैं साउंड स्लीप को रिजेंबल कर सकती हूँ. परफेक्टली टोन्ड आर्म्स की पिक एक मैंने लगाई हुई है. आप बहुत सारी पिक्स लगा सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए. ये मैंने परफेक्ट रेडियंट स्किन की लगाई हुई है. ये होम्स है देखिए, ये खूबसूरत से जो भी चीज़ें, जो भी मुझे घर के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, और मुझे जो भी पिक्स पसंद आती है ना मैं ये लगा लेती हूँ बिना बहुत ज़्यादा इस थॉट प्रोसेस में गए कि वो मिलेगी मुझे कि नहीं मिलेगी. ये एक फैमिली पिक है जिसमें मैंने ऐसा रिजेंबल किया कि मैं, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे टू किड्स, सन एंड डॉटर. सो वी आर हैप्पी गोइंग ऑन राइड. दीज आर ड्रीम क्रूजेज जिसमें हम जा रहे हैं, जो मेरा मेरे बच्चों का ड्रीम है. सो आई लव टू वियर यू नो सो मैनी नेकलेस, इयररिंग्स, जो हर एक लेडी का भी, वुमेन का भी पसंद होता है बहुत सारी, एंड आई लव इट एक्चुअली. ये मेरे देखिए ट्रैवलिंग्स के हैं ये सारे, सिंगापुर का, देन ये भामाज, यूरोप, सिंगापुर, चाइना, ये हैं आपका. देन इट्स अ चूज़ द अनफॉरगेटेबल फैमिली वैकेशंस कम्स टू सीक, यूरोप का है ये. देन थाईलैंड, दुबई, पेरिस, ये
ये मैंने लगाया है मी एंड माय हस्बैंड स्टैंडिंग इन पेरिस। सो ये हमारा 2019 का ट्रैवल का पिक मैंने लगाया, जिसमें मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, हम लोग बैग पैक करके रेडी हैं घूमने जाने के लिए। दिस इज़ स्विट्ज़रलैंड, दिस इज़ यू नो अगेन डिफरेंट प्लेसेस जो हैं आपका, सिंगापुर, आयरलैंड, जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। देन ये देखिए, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी का पिक है जो मैंने लगाया है यूएसए का। सो आई वॉन्ट टू गो टू यूएसए ऑल्सो। सो एक्सपीरियंस लग्जरी क्राफ्टेड बाई टाइम। सो रेज द बार, ये मैंने लगाया है जिसमें आई कैन रिजेंबल्स कि मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे का हैंड होल्ड करके वी आर स्टैंडिंग नियर द सी। ये वी आर एन्जॉइंग द वेकेशन स्विमिंग पूल्स। देन दिस इज़ द लाइफ स्टाइल ऑफ माई। देन ये देखिए, एक मैं और मेरे हस्बैंड का रोमांटिक। सो दीज थाइंग ऑफ थिंग्स ना हेल्प्स टू रिजेंबल्स। ये मैंने फोटोग्राफ लगाई है जिसमें मेरे हस्बैंड मुझे गिफ्ट दे रहे हैं या मैं उन्हें गिफ्ट दे रही हूँ। इट कैन बी रिजेंबल्स बोथ साइड। ये एक स्विमिंग पूल का है और मैं आपको बताऊँ, सेम मेरा जो जिस घर में मैं रहती हूँ वो पूल बिल्कुल ऐसा है। पूल के साइड में जो सिटिंग एरिया है वो भी ऑलमोस्ट इसी तरह का है। देन दिस इज़ अ यू नो लंडन ब्रिज, गार्डन्स बाई द बे। सो लाइफ स्टाइल ऑडी A6 विच आई वॉन्ट। ये देखिए, ये मोस्ट रोमांटिक पिक है जो मुझे लगता है हम सभी को याद है और हम सभी इस गाने को हमेशा गुनगुनाया है हम सभी ने। प्यार हुआ, इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। सो मैं ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों में दिखा रही हूँ सो दैट आप लोग समझ सकें। ये देखिए, पेरिस इज़ कॉलिंग, स्विट्ज़रलैंड इज़ कॉलिंग, इटली इज़ कॉलिंग, लंदन इज़ कॉलिंग। तो मैंने एक ऐसी पिक लगाई है, ये कार की अगेन, ये मेरी फैमिली को जो रिजेंबल करती है एक पिक मैंने वो लगाई है, हैप्पी वाली। दिस इज़ स्वीट होम, डबल एक्सल 4 BHK। दिस इज़ द प्लान लेआउट ऑफ माई 4 BHK होम विच आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट इन फ्यूचर। तो इस तरह से आप लोग भी अपने लिए जो भी आपको अच्छी लगती हैं वो चीज़ें पिक्स आप लगा सकते हैं, क्योंकि पैसा लगाने का तो पैसा नहीं है ना कम से कम, और उसको देखने का भी पैसा नहीं पड़ता है। और उसको देखने के बाद मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव्ड की हैं जो मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर की हैं। सो इसके बैक में मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे बेटे ने अपने कुछ विज़न बोर्ड्स की पिक लगाई हुई हैं। ये उसने वही पिक लगाई जो रेडी टू राइज मैंने वहाँ लगाई थी। ये उसने लगाई है लंदन ब्रिज, नॉ एन अपॉर्चुनिटी दैट ब्लेंड्स क्रिएटिविटी उसने लगाया है लिख के। ये सब मेरे बेटे ने अपने आप चूज़ किए थे चीज़ें। ये बुक्स का उसने विनर है, टाइम वॉच है, थिंक बुक, देन फ्लाई, उसने फ्लाई का लगाया है, अवार्ड्स अचीवमेंट्स का लगाया है। देन एक कार जो मेरे बेटे को पसंद है वो हैप्पीनेस फोकस्ड हैप्पीनेस बॉक्स, ये उसने लगाया है नोबल प्राइज़ विनर। बिकॉज मैं और मेरा बेटा हम दोनों चाहते हैं कि वो नोबल प्राइज़ विनर बने। और ये इन द वर्ल्ड साइकिल राइड, यहाँ पे उसने प्राइज़ लगाया है, एंटर टू विन, लर्निंग, ओपन माइंड, स्टडी अब्रॉड उसने लगा रखा है। सो इस तरह से आप अपने बच्चों का भी विज़न बोर्ड बनवा सकते हैं गिफ्ट फ्री। ये देन इट इज़ ईजी टू स्टडी, मैंने एक बॉय की फ़ोटोग्राफ लगाई है जिसमें बच्चा पढ़ रहा है सो दैट मेरा बेटा स्टडी पे फोकस रहे। ये आइंस्टाइन का पिक है जो मेरे बेटे के ड्रीम पर्सन हैं, गाइडर हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा उतना ही इंटेलेक्चुअल हो और उतना ही फेमस वर्ल्ड में बने। सो मेरा बेटा जब भी उनकी एनर्जी को शेयर करेगा, देखेगा, तो उनकी एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा। और मेरे बेटे ने एक और बुक बनाई है, मैं आपको दिखाती हूँ, उसने अभी रिसेंटली एक बनाई है, दिस इज़ द चैम्पियन माइंड विदाउट फियर। और ये ड्राइंग बुक है एक्चुअली उसने, पर उसने इसमें बनाई है कुछ पिक्स चिपकाई हैं। देन हियर एक अवार्ड का पिक है, इसने में एक बुक्स का पिक चिपकाया है उसने, जिसमें लिखा है रीड, देन विनर द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ बुक्स रीड एंड द अनस्टॉपेबल पावर। यहाँ पे अवार्ड्स का पिक्स है, देन यहाँ पे स्टडी, बिकॉज गैजेट्स आर नॉट ओनली फॉर प्ले, मैं इसको बताना चाहती हूँ, गैजेट्स आप पढ़ाई भी कर सकते हो। तो आई वॉन्ट टू मोटिवेट हिम टू यूज़ द iPad फॉर स्टडी पर्पज, डिस्कवर द चैम्पियन इन यू, आई वॉन्ट माई सन टू डिस्कवर हिज इनर टैलेंट एंड
मेडिटेशंस, आई वॉन्ट टू बी हिम, वॉन्ट टू बी मोर, चैंट मोर मंत्रास, बी फोकस्ड उसके लिए। देन एक बहुत बड़ा सा यहाँ पे उसने कप का फोटोग्राफ अवार्ड्स का लगाया है, क्योंकि हम जब बार बार ये सारी चीज़ें देखते हैं ना तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली उन सब चीज़ों को, मेगा अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे लिखा है उसने। एंड यहाँ पे देखिए आप अगेन जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लंडन ब्रिज, सो एवरीथिंग, US, कनाडा, श्रीलंका, वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप उसने जीती, इस तरह का मैंने उसको बोला है लगाने के लिए। देन ये सारे फ्रेंड्स के पिक हैं, ये देखिए, जो अभी मैं रिसेंटली न्यू घर में शिफ्ट हुई थी तो मेरा बेटा मुझे बोल रहा था कि मम्मा मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं हैं और मेरा, मैं बोर हो रहा हूँ। तो मैंने उसे बोला कि चलो हम एक ऐसे पिक्स ढूंढते हैं जिसमें फ्रेंड्स हो बहुत सारे। और मैं आपको बताऊँ, ये पिक लगाने के बाद जब मेरे बेटे ने डेली इसको देखना शुरू किया 4-5 डेज, तो ऑटोमेटिकली जब हम बाहर जाते थे तो स्लोली उसके फ्रेंड्स बनना शुरू हो गए। ये मैंने हेल्दी फ्रूट्स वगैरह लगाए हैं सो दैट वो एक हेल्दी ईटिंग हैबिट उसकी बचपन से बन जाए, मुझे उसे फोर्स ना करना पड़े, क्योंकि मेरा बेटा ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाने में और नए फ्रूट्स ट्राई करने में बहुत चूजी है, वो नई चीज़ें ट्राई नहीं करना चाहता जल्दी। तो ये, और ये मेरे बेटे का और मेरी बेटी का सपना है कि घर के अंदर ही पूल हो, तो उन लोगों ने एक ऐसा पिक लगाया, मैंने उनको बोला यस इट्स पॉसिबल कि आपके घर के अंदर पूल हो, तो वो उन्होंने लगाया सॉफ्ट इज़ पावरफुल, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट वी हैव टू बी हार्ड टू एवरीवन, सॉफ्ट इज़ इवन सॉफ्ट पर्सन आर वेरी पावरफुल। तो ये मैंने बताया है, इस तरह से लगाया है, जो आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से विज़न बोर्ड्स बना सकते हैं और अपने विज़न बुक्स या विज़न बोर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। और डेली आपको इन्हें 2 से 3 बार देखना होता है, और चाहें तो चैंटिंग कर सकते हैं, EFT कर सकते हैं आप इनको देखते हुए। मैं EFT करती हूँ, मैं इसे देखती हूँ, इस विज़न बोर्ड को अपने सामने रखती हूँ एंड आई डू द EFT चैंटिंग करते हूँ। पहला जो 5 मिनट्स का मेरा होता है चैंटिंग, वो होता है टुगेदर आई एक्सेप्ट माई सेल्फ टोटली, इसको देखते हुए जो मैं EFT करती हूँ। सेकंड जो मेरा एफर्मेशन है वो मैं बोलती हूँ चेंज डिवाइन ऑर्डर, EFT करती हूँ इस विज़न बोर्ड को देखते हुए। एंड थर्ड जो मैं बोलती हूँ वो है थैंक्स डिवाइन ऑर्डर। अच्छा, मैंने ना दोनों ही चीज़ें बनाई हैं, रीज़न बीइंग कि मेरा ये जो विज़न बोर्ड है ये मेरा नेक्स्ट 5 ईयर्स का ड्रीम है, ये मेरा 1 ईयर का नहीं है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा विज़न बोर्ड 1 ईयर का बनाते हैं, बट मैंने लॉन्ग टर्म विज़न बोर्ड बनाया है, क्योंकि आप अगर किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएं तो आपने एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमनली सुनी होगी जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अपने आप को आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स में या 10 ईयर्स में कहाँ देखना चाहती हैं, यानी वो आपका विज़न चेक करते हैं कि आप कितने विजनरी हैं। तो ये मेरा विज़न है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, ये मेरे विज़न से, तो इन चीज़ को अगर आज मैं देखना शुरू करूँगी तो मैं आने वाले 2-3-4 साल में इन्हें अट्रैक्ट ईजिली कर पाऊँगी। तो ये मेरे लॉन्ग टर्म ड्रीम्स हैं, इसे मैं ऐसे देखती हूँ। और ये जो विज़न बुक है ये तो मेरा शॉर्ट टर्म ड्रीम्स आप बोल सकते हैं, डे ऑन डे बेसिस का है, जो मैं हमेशा देख लेती हूँ, पर ये मेरा बहुत बेसिक इम्पॉर्टेंट है। और विज़न बोर्ड का बेनिफिट ये है कि जब मैं EFT करती हूँ तो एट अ ग्लांस मेरे सामने एक बार में ही वो सारी चीज़ें ड्रीम सामने होती हैं जो मैं पाना चाहती हूँ, तो मेरे आईज हर एक की तरफ रोटेट होते रहते हैं EFT करते टाइम। विज़न बुक में एक ड्रॉबैक है कि अगर आप EFT करते हैं विज़न बुक के साथ तो आपको बार बार पेजेस टर्न करने पड़ते हैं, वो एक मेजर ड्रॉबैक है। तो इस तरह से आप विज़न बोर्ड यूज करना चाहें, विज़न बोर्ड या आप दोनों बनाना चाहें तो दोनों भी बना सकते हैं। सो आई होप आज का विज़न बोर्ड का वीडियो आपको समझ में आया, पसंद आया, और अगर पसंद आया तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन Facebook एंड Instagram।